कोरोना महामारी फैलने के साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जीवन का हिस्सा बन गया है, लेकिन अब अमेरिका में लोगों को राहत मिल गई है। प्रशासनिक अधिकारी के मुताबिक जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पूरी डोज ले ली है वे बंद स्थानों पर बिना मास्क के भी साथ रह सकते हैं। लोगों को यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की भी जरूरत नहीं होगी। सोमवार को सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने नई गाइडलाइन जारी की है। वैक्सीन आने के बाद लंबे समय से लोग छूट की मांग कर रहे थे, अब लोगों को अपने परिवार के सदस्यों से मिलने, बिना पाबंदियों के यात्रा करने और कई जगहों पर एंजॉय करने की छूट दे दी गई है। लोग थिएटर में भी आराम से मूवी देख सकते हैं। CDC के डायरेक्टर ने कहा, जैसे जैसे वैक्सीनेशन की मुहिम आगे बढ़ रही है हम ज्यादा छूट दे रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, यह नॉर्मलिसी की ओर लौटने का पहला स्टेप है जिससे कि लोग अपनों के पास बिना किसी प्रतिबंध के रह सकें। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है और महामारी से होने वाली मौतों की संख्या में भी काफी कमी आ गई है। इससे पहले फरवरी में CDC ने कहा था कि कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, लेकिन बिना मास्क के घर से निकलना सुरक्षित नहीं है। यह भी सलाह दी गई थी कि लोग खुद को सुरक्षित रखने के लिए डबल मास्क का उपयोग करें।